आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है कि मार्केट में अवेलेबल जो चिकन होती है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या वो हमारी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है, उसके क्या नुकसानात होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यूजली जो कि मार्केट से हम फार्मी चिकन जो है वो परचेज़ कर रहे होते हैं, जिसको ज़्यादातर ब्रायलर चिकन वो कहलाती है आजकल, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा टफ हो गई है कि वो ऑर्गेनिक चिकन का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लेकिन उसकी बिल्कुल अपनी जगह फायदियत मौजूद है। आपको अगर आपको जब भी मौका मिले तो आप देसी चिकन का ही इस्तेमाल करें, कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उसकी फीड जो है वो कंट्रोल हुई हुई होती है और प्रॉपर जो है वो आपको न्यूट्रिएंट्स भी दे रही होती है। लेकिन ये है कि जो मार्केट में अवेलेबल ब्रॉयलर चिकन होती है वो भी जो है कुछ हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। वो डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि इसको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ फैली हुई हैं कि जो फार्मी चिकन होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो हम इसके बारे में आज सारा डिस्कशन करेंगे। यूजली जो ब्रॉयलर चिकन होती है वो उस चिकन को कहा जाता है जिसमें से गोश्त ज़्यादा निकले, यानी जिसका जो मीट होता है, गोश्त होता है, वो उसके अंदर ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है। ये ज़्यादातर फार्म में ही बनाई जाती है। इसको तकरीबन बनने में जो है वो 1 महीना और 6 से 7 हफ्ते तकरीबन इसको लगते हैं। और इसका प्रोसेस यही होता है कि इसमें जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न जो चूज़े होते हैं वो उनको ब्रॉयलर फार्म के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, प्लस वहाँ पर उनको प्रॉपर लाइटिंग दी जाती है। फिर उनकी एक इब्तदाई फीड स्टार्ट की जाती है। उस इब्तदाई फीड के अंदर जो है वो कॉर्न्स होते हैं, यानी मकई होती है, और साथ में पानी होता है, वो उनको पहले दिया जाता है उनका, ताकि उनका स्टमक जो है थोड़ा यूज़ टू हो जाए। और उसके अलावा फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी फीड को बढ़ाया जाता है। फिर उसके अंदर प्रोटीन के लिए सोयाबीन वगैरह ऐड किया जा सकता है, फ़िश और मीट, और वो फिर डिपेंड करता है। और उसके अलावा फिर उनकी वैक्सीनेशन होती है वहाँ पे, और फिर उनको जो है एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, क्योंकि जब ये चूज़े पैदा होते हैं तो इनके अंदर बहुत सारे जो है वो इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जिनके लिए ये एंटीबायोटिक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो हम यूज़ कर लेंगे वो एग्स या अंडे, तो वो फिर हमें भी जो है वो इस तरह की मुर्गी अगर हम यूज़ करेंगे या उनके अंडे यूज़ करेंगे तो वो सारे इन्फेक्शंस जो है वो हमारे अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल उनके साथ किया जाता है, और उनको फिर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। उनकी फीड को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है, और इस तरीके से 6 से 7 हफ्ते के अंदर जो है एक प्रॉपर ब्रॉयलर जो फार्मी चिकन होती है वो तैयार हो जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, जिसके बारे में डिस्कशन होता है और जिसको सबसे ज़्यादा लोग बात करना चाहते हैं, वो यही होता है कि फार्मी चिकन को जो साइज़ होता है उसका इतनी जल्दी कैसे बड़ा हो जाता है, और उसको ऐसा क्या दिया जाता है, या कौन से उसके अंदर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं हार्मोन्स वगैरह के। तो ज़्यादातर लोग यही परसेप्शन यही है कि उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा फार्म होता है, छोटे फार्म पे तो हो सकता है ये सब हो भी जाए, लेकिन जहाँ पे जिनका बहुत बड़ा फार्म होता है, जहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो मुर्गियाँ होती हैं, तो वहाँ पे ये होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जो हार्मोन होता है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है वो इंजेक्ट करना होता है, इस पर्पज़ के लिए अगर आप उनको दे रहे हैं तो। और अगर इतनी सारी मुर्गियाँ हैं तो इंडिविजुअली सबको ऐसे इंजेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन और उससे भी ज़्यादा जो एक बात है जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं, वो ये है कि हार्मोन लगाने से जो है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, जो कि बिल्कुल भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता हार्मोन लगाने का जो प्रोसेस होता है। तो इस वजह से लेकिन ये बात अपनी जगह है कि जो उनका साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली ज़्यादा होता है। वो इस वजह से होता है कि इन चूज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर फीड करवाया जाता है। उनकी जो फीड है वो सारा उसका ताल्लुक जो है उनकी फीड से होता है। उनकी फीड को इतना ज़्यादा इस तरीके से दिया जाता है, और उनकी एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो कम से कम कर दिया जाता है, यानी उन चूज़ों को बिल्कुल जो है कम, उनकी लिमिटेड एक्टिविटी हो जाती है, उनके बिल्कुल करीब ही उनका खाना पीना होता है और वो ओवर ज़्यादा खा रहे होते हैं बहुत। और प्लस उनकी जो ब्रीड होती है, जिन चूज़ों को सिलेक्ट किया जाता है वो भी वही वाले चूज़े होते हैं जिनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। तो इस वजह से उनमें पहले से उनकी जीन्स में ये चीज़ होती है कि वो अपने खाने को इस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं कि उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। और दूसरा जो एक सबसे बड़ा मसला होता है वो ये है कि ब्रॉयलर चिकन खाने के बहुत सारे दूसरे भी नुकसानात के बारे में डिस्कशन किया जाता है, जिसमें से कुछ हद तक सही भी होते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस फार्म से ले रहे हैं। कुछ फार्म जो हैं वो करते होंगे इस तरह की चीज़ें, जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस जिसमें जो है वो मुर्गी को कोई इस तरीके के जो कि नहीं लगाने चाहिए या कोई इस तरीके की फीड देते होंगे जो कि नहीं देनी चाहिए। तो वो हो सकता है कि उसकी वजह से जो है इस तरीके के इश्यूज़ आए। लेकिन जो एथिकल फार्म्स होते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, उसके अंदर ये सब चीज़ें शामिल नहीं होती, स्टीरॉइड्स वगैरह। उसमें ये अगर इनका साइज़ बड़ा होता है तो वो उनकी फीड की वजह से ही बड़ा होता है। स्टीरॉइड्स जो है वो वैसे भी यूजली आप इंजेक्शन की फॉर्म में भी देंगे या खाने की फीड में भी देंगे तो वो बहुत महंगे पड़ेंगे। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि इसके जो नुकसानात होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जो हम चीज़ कंसीडर नहीं करते, हम ज़्यादा बात हार्मोन्स की कर रहे होते हैं। हार्मोन्स की बात जो है वो चिकन से ज़्यादा आपकी जो दूसरे जानवर होते हैं, जैसे कि जो चौपाए होते हैं जिसमें गाय वगैरह, उनके लिए ज़्यादा वो मैटर करती है वो बात, लेकिन चिकन के लिए इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। चिकन के लिए जो मसला होता है, जो हमें मसला आता है हमारी सेहत को, वो होता है एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से। तो अगर हम ब्रॉयलर चिकन इस्तेमाल करते हैं तो उससे सबसे बड़ा जो हमें नुकसान होता है वो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का, क्योंकि इन चिकन को बहुत ज़्यादा जो है वो एंटीबायोटिक्स लगाई जाती हैं, दी जाती हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि हम भी जो है वो ये खाने से, उन इन्फेक्शन से हमारे भी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाए और हमें एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाए, क्योंकि तकरीबन दवाइयाँ जो होती हैं वो वही सारी जनरेशन और वही सारी दवाइयाँ जानवरों में भी इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो इसी वजह से जो है हमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये हो सकता है इससे। दूसरा जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है और जो कि डिस्कशन किया जाता है कि इससे वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है, प्लस इससे हार्मोन्स जो है वो फीमेल्स के डिस्टर्ब हो जाते हैं, अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है बच्चों को, और इसमें जो है इस तरीके के पीसीओज़ वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका ताल्लुक जो है वो इससे नहीं है कि इसको हार्मोन के इंजेक्शन स्पेशली लगाए जाते हैं, वो इस वजह से कि हम जो भी एनिमल फूड खाएंगे तो उससे हमारे हार्मोन्स पे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। वो इस वजह से आएगा क्योंकि उनके अंदर नेचुरली अपने हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे हमारे फीमेल्स में होते हैं उसी तरीके से जितने भी दूसरे जानवर होते हैं उनके अपने भी हार्मोन्स होते हैं। तो वो हार्मोन्स ऐसी बात है फिर आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ अपना इम्पैक्ट ज़रूर डालेंगे, तो वो उनके एक नेचुरल ही प्रेजेंट होते हैं जिस्म के अंदर। तो अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उससे हो सकता है कि आपको कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस का इशू पेश आ जाए। और दूसरा जो एक और मसला ये है कि लोग कहते हैं कि ब्रॉयलर चिकन जो होती है उसके अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, यानी कि बिल्कुल किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं होता, जो कि वो भी डिपेंड करता है आपकी चूज़ों की फ़ीड पे डिपेंड करता है। यानी कि जो मुर्गी है अगर उसकी फ़ीड अच्छी है तो आपको जो है उससे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर किसी ने उसको उनकी फ़ीड अच्छी नहीं रखी हुई तो उसमें जाहिर सी बात है फिर आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे उस तरीके से। तो ये उसकी फ़ीड पे डिपेंड करता है। और मोस्टली जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो हमें हैंडलिंग की वजह से होता है, जो हमारी अपनी ख़ुद की जो गलतियाँ होती हैं और जो सेल कर रहे होते हैं, जो मुर्गी बेचने वाले होते हैं, ज़्यादातर उनकी गलती की वजह से होता है, क्योंकि वो बीमार मुर्गियों को भी बेच देते हैं। ये यहाँ पे सारी जो है मसाइल शुरू होते हैं कि अगर आप कोई बीमार मुर्गी कंज्यूम कर लें या इवन मरी हुई मुर्गी भी जो है वो भी सेल कर देते हैं। तो इस वजह से आपको जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं।